बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया का वीज़ा के मतलब आपने मेरे थंबनेल में पढ़ लिया होगा। सऊदी अरेबिया का वीज़ा फ्री जी, इसमें लिखा हुआ है जी आपको। मैं अच्छा यार, मैं आपको ना पिक्चर दिखाता हूँ और साथ में ना पढ़कर भी सुनाता हूँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसा कि आपने 2500 रियाल सैलरी और वीज़ा एंड टिकट फ्री, ठीक है, लिखा क्या हुआ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, सऊदी की मशहूर कंपनी नादिक, नादिक तो भाई हम सब जानते हैं, अलमराई से नीचे है। नादिक के हलीम, नादिक का दही, नादिक की लस्सी, नादिक के स्ट्रॉबेरी मिले मिल्क वगैरह, ये वो बहुत सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप आपको तकरीबन हर शॉप पर मिल जाएंगी। तो सऊदी के मशहूर कंपनी नादिक फौरी वर्कर्स और ड्राइवर की ज़रूरत है जी, ठीक है जी। वीज़ा प्लस टिकट फ्री जी, आप साथ में देख रखे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। स्टोर कीपर जी, इनकी सैलरी 2000 रियाल प्लस में, एंड ऑफिस बॉय 2200 रियाल प्लस में, एंड पैकिंग सैलरी 2500 रियाल प्लस में। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2500 तो वैसे जो आज़ाद काम करते हैं पंजाबी च ना, आप गल कर ली 2500 तो जेडे आप आज़ाद उत्थे सारी दिहाड़ी रंग वाले पिछे सनफरा मार मार के, या मिस्त्रियों पिछे सीमेंट ईटा ढो ढो के, उत्थे ब्लॉक ढो ढो के मर जन्ने आ, खा पी करके तो 2500 असी नहीं पहुँचाते यार, हालांकि आजाद ने। अच्छा आगे सुने जी, ड्राइवरी ड्राइवर सैलरी 2200 प्लस, ठीक है जी। एंड आगे चलते हैं जी, आगे मैं आप चीज और देखिए, ये उनका बकायदा आप देखेंगे उनका लोगो लगा होता है और बंदे इनसे रब्ता करते हैं जी। फेसबुक के ऊपर ऐड छोड़ा हुआ है जी, या आपको कहीं भी टिकटॉक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका टैग मिल जाएगा, अप्लाई करें आप, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको आगे क्या ये बताते हैं वो आपको मैं साथ में दिखाता हूँ, पढ़कर भी सुनाता हूँ। और इसमें अच्छा एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपने वीज़ा ले लिया, किसी बार एतमाद बंदे से ले लिया, आपका वीज़ा पाकिस्तान में आ गया, आपका ई नंबर निकला है, आपने मेडिकल करवा लिया, आपका मेडिकल भी ओके हो गया जी, आपका वीज़ा लगने के लिए चला गया है एम्बेसी में पासपोर्ट समेत, आपका वीज़ा वापस आ गया, उन लोगों ने या तो लिख कर भेज दिया मेडिकल के ऊपर मरहल बना था खूल, या और लिख के भेज दिया जी मुख्तलिफ मैना, और या कोई भी और चीज़ लिख के वापस भेज दी। तो उस सूरत में कुछ भाई मुझको वो चीज़ें सेंड करके पूछते हैं, भाई देखना मेरे साथ धोखा होगा, मेरा वीज़ा दो नंबर था। अरे यार वीज़ा दो नंबर नहीं था, वो वीज़ा एक नंबर था। आपने खुद जो सऊदीया में पहले रह चुके हैं, ज़्यादातर उनके साथ होता है भाई, आप सऊदी में पहले रह चुके हैं, वापस आए साल बाद, छः माह बाद, दो साल, पाँच साल, दस साल बाद, जितनी देर भी बाद आप जा रहे हैं, तो भाई आपने क्या अपना वहाँ पर स्टेटमेंट वाला पेपर चेक करवाया, यानी कि सफरी मामला वाला पेपर चेक करवाया पहले, जिसे मरहल पेपर बोलते हैं, जिसे मतार पेपर बोलते हैं, वो चेक करवाया आपने? आपके ऊपर कोई सफरी मामला को लेकर पाबंदी तो नहीं है जिसकी वजह से ये आपके वीज़ा रिजेक्ट होकर वापस आया? व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने इसके मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आगे जो मैं आपको चीज़ अभी दिखाने लगा हूँ वो देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ जी मैक ओवरसीज एजेंसी, ठीक है जी। आपने ये क्वालिफाई इनका जो ये जो आप बोल रहे हैं कि आपको ये पेपर है ये आपने फिल करना है, तस्वीर यहाँ पर आपने तस्वीर अपनी चिपकानी है, साफ सामने डेट वगैरह लिखी हुई, डेट आपने लिख देनी है जी, नाम लिखना है नीचे, ठीक है जी। उसके बाद वाल्द का नाम, उसके बाद एड्रेस लिखना है, उसके बाद जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसका नाम, जिस मुल्क का वीज़ा लेना चाहते हैं, भाई अमेरिका में नादिक तो चलती नहीं है, नादिक तो चलती है सऊदीया में, या ज़्यादा से ज़्यादा भी चलती होगी तो दुबई या कुवैत में चलती होगी, बस यही होगा, तो कतर चलती होगी बस, लेकिन सऊदीया में ज़्यादातर है जी। अगर अच्छा जी, नीचे दस्तखत आपने करने हैं और सामने आ जी नीचे निशाने अंगूठा भी लगाना है, सामने मोबाइल नंबर लिखना है, साथ में नीचे उसके व्हाट्सअप वाला अपना मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे जो चीज़ लिखी हुई ना अभी इसके ऊपर गौर कीजिएगा, मैं आपको शायद ये बड़ी करके अभी दिखा रहा हूँ, ये पढ़कर सुनाता हूँ। दिए गए क्वाइफ मुकम्मल तस्दीक के बाद दुरुस्त तालीम करता हूँ या तस्लीम करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की गलती की सूरत में खुद जिम्मेदार हूँ, वीज़ा लग जाने की सूरत में अगर किसी कागजात में गलती की सूरत में वीज़ा की रकम अदा करने का गलती की गलती होगी तो उस सूरत में भी वीज़े की रकम अदा करने का प्रबंध हूँ, या जो दे चुका हूँ वापस लेने का वापस नहीं मिलेगी मुझे। आगे सुन लें, मेरे वीज़ा के लिए इस फार्म के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी का मुकम्मल अख्तियार है कि मेरा वीज़ा अप्लाई कर सके और बताई गई शराइत व ज़वाबत के मुताबिक प्रोसेस फीस वगैरह ये वो जी मुझसे ले सकते हैं। ये बयान हल्फी के तौर पर एक स्टेटमेंट लिखा छोटा सा, नीचे लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ
आपने अपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, एंड ट्रैवल एजेंट, सामने ट्रैवल एजेंट के कुछ सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया जी। ये एक भाई ने मुझे सेंड की और बोला जी भाई देखें मुझे, मैं इनसे वीज़े ले रहा हूँ वीज़ा नहीं, और ये मुझे चीज़ें आई हैं सामने, सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। तो मैंने दूसरी बात नहीं की, मैंने व्हाट्सअप पर ऑन किया, सीधा मैसेज किया, वालेकुम सलाम भाई, ये धोखा है, सरासर धोखा है, फ्रॉड है, आपकी आंखों के सामने आपको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, आपको लूट लिया जाएगा। अभी लूटते कैसे हैं? आप बोलेंगे भाई ये तो फॉर्म में चलो फिल करके दे दिया। देखें वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, जब आपको वो बोलेंगे ना ठीक है जी 30,000 इसकी वो फीस है जी, ये वो बंदा बोलता जब यार वीज़ा फ्री है तो 30,000 की कौन सी बात है, आपसे 30,000 वो सेंड करवा लेंगे। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे जी आपका जी वो वीज़ा लगने के जाना है, देखें जी वीज़ा लगवाई तो हमने देनी है ना, 50-60,000 इस चीज़ के लिए ले लेंगे, आपके पैसे पासपोर्ट के ऊपर भी लगवाएंगे, फिंगर करवाएंगे उसके ऊपर भी लगवाएंगे, ई नंबर निकल रहा है जी वो 10,000 दें 20,000 दें, ई नंबर आपका निकालना है वो भी ले लेंगे, मेडिकल करवाएं जी मेडिकल के ऊपर भी आपके पैसे लगवाएंगे। बाद में आपको बोलेंगे जी सिक्योरिटी के तौर पर 80,000 90,000 1,00,000 1,20,000 जमा करवाएंगे, इतने मांग लेते हैं मुख्तलिफ, ठीक है जी। आप बोलेंगे वो किस चीज़ के, भाई आपको फ्री वीज़ा दे रहे हैं, फ्री टिकट दे रहे हैं या फ्री वीज़ा मिल रहा है, तो वो आप अगर वहाँ पर जाकर भाग जाएं तो कौन जिम्मेदार है, हैं वो तो हमको पकड़ेंगे ना, वहाँ पर जाएंगे आपके एटीएम में ये पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे आपसे, भाई लाख के अराउंड में वो रकम भी उन लोगों ने ले ली है। बाद में टिकट के नाम पर भी भाई पैसे लूटते हैं। तो ये चीज़ होती है जब आपका सारा काम ओके हो जाता है, आपको वीज़ा वगैरह वो फेक बना ई नंबर फेक भेजते हैं, आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, आपको वीडियो बनाकर सेंड करते हैं, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि YouTube की अभी पॉलिसीज है, आप कोई भी किसी किस्म की किसी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। आपको वीडियो बनाकर भेजते हैं, ये देखें जी आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है, आपके अब जो बकाया जाते हैं वो क्लियर करें। बिग बात सिंपल अभी ख़त्म करते हैं, वो ये कि भाई जितनी देर में आपका वीज़ा वगैरह लग के सारे मामले क्लियर होते हैं उतनी देर में एक बंदे से ये 2.5-3, 3.5-2 से ऊपर ये उस बंदे से उतनी देर में ले लेते हैं और कहानी वगैरह सुना के जैसे तैसे करके, ठीक है जी। वो पैसे इन लोगों ने अपने पास रखे, आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे वहां पर इनका आपको अक्सर एक बंदा भी मिल जाएगा, हाँ जी बिस्मिल्लाह आए मैं आपको, हाँ जी ओ यार फ्लाइट मिस हो गई है ये, और आप परेशान हो जाते हैं यार अभी क्या होगा, यार अभी ऐसे है कि हम मैं बात करूँ वो बात करता है जी, हाँ जी इनकी फ्लाइट मिस हो गई है जी, लेट हो गई या जहाज टाइम से उड़ गया या हम गलती होगी, चलो यार 15,000 दो इसकी फ्लाइट आगे करते हैं, 4 घंटे आगे कर लेते हैं या एक दिन की या 8 घंटे की आगे कर लेते हैं, आपसे 15-20,000 वहाँ पर भी ले लेते हैं। वो बंदा थोड़ी देर के बाद वहाँ से गायब और आप वहीं एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहते हैं कि अब क्या होगा, अब कब आएगा, वो आता ही नहीं है, आगे वाले फ्लाइट ही नहीं लगती है। जब आप अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करवाते हैं बोलते हैं आपका तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आपने किधर टिकट करवाई हुई, कोई टिकट वगैरह नहीं है आपकी, और अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ से आप अपनी मर्जी से एक टिकट बाय कर लेते हैं 50-60-70-80-90-1,00,000-2,00,000 जितने की भी, तो अगर आप वहाँ इमिग्रेशन में जाएंगे अंदर पाकिस्तान तो इमिग्रेशन में आपकी मोरिन स्टैंप होगी, आपका वीज़ा ही फेक निकलेगा, वो आपको वहीं पर पकड़ लेंगे। ये चीज़ है, तो भाई ये सब धोखे हैं, इनसे बचें। और अपर वीज़ा, अगर आपने वीज़ा लेना है आपके नज़दीक तरीन, मुझे बेशुमार बंदे मैसेज करते हैं भाई आपके पास वीज़ा है तो बता दें। देखिए मेरे पास वीज़ों के यकीन कीजिए 20 एजेंट पीछे बैठे हुए हैं, यार भाई हमारे भी पास वीज़े हैं आप, मैं लेकिन नहीं भेजता, मैं नहीं बात करता, मैं वीज़ों का काम ही नहीं करता, क्यों यार, देखें किसी एक बंदे के साथ धोखा फ्रॉड अगर होता है तो भाई वो बंदा मुझे बोलेगा, ये चीज़ है। तो इस चीज़ से बात रखें, आपके नज़दीक तरीन अगर कोई बाएतमाद आपके पास कोई ट्रैवल एजेंसी वाला है या आपका दोस्त भाई सऊदी में बैठा हुआ है तो उससे वीज़ा परचेज करें, वो बेस्ट है।